इंसान भी अपने चेहरे पे कैसे कैसे चेहरे पहन लेता है, पहचाना तक नहीं जाता। शराफत के लिबादा ओढ़कर बेड़ियों को खुदा का खौफ भी नहीं है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अभी? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं जिस पर भी एतबार करती हूँ वो हमेशा मेरे एतबार क्यों रेजा रेजा कर देता है। नुमान बता रहा था कि उसने ये शादी तुम्हारे साथ निकाह करने के बाद किया। कोया, तुम्हारे साथ किया हुआ निकाह की कोई अहमियत ही नहीं थी उसको। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सिर्फ ये है कि अगर उनकी जिंदगी में पहले से कोई था तो फिर मुझसे निकाह करने का ढोंग क्यों रचाया उन्होंने? पूछो उससे, फोन करो और पूछो क्यों किया ऐसा जुल्म तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पूछना, मुझे नहीं पूछना अभी। मैं लोगों के झूठ को सच मान मान के थक गई हूं। शादी के बाद थोड़ा रूटीन चेंज हो गया। अभी तो सिर्फ निकाह ही हुआ है। नहीं नहीं बेटा, शादी हुई है। शादी वलीमे में हम सब शरीक हुए थे। चलो माँ। नहीं बेटा, मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, मेरे जरा सर में दर्द है। मगर खाला, आप भी तो इनवाइटेड हैं। हाँ बेटा, लेकिन असल में तो तुम लोग इनवाइटेड थे, मुझे तो उन्होंने कर्टेसी में बुला लिया था। मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करूँगी। तो मॉम आप बता देती, हम आज का प्लान कैंसिल कर देते। बेटा मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, आप लोग हो आओ। राइट, चले। ओके। आपने अपनी दवा ली है? हाँ ले ली, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तुम दोनों को इस तरह से आपस में खुश देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अल्लाह ताला मेरे घर को हासितों की नजर से बचाए। जाओ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हेलो, बोलो। कहीं बाहर निकले हुए हैं, कहाँ हैं आप? एक काम से जा रहा हूँ। पुप्पो कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो कह रही थी कि तुम अपने घर चली जाओ। मैंने उनको बताया कि नुमान ने इजाजत दे दी है मुझे रहने की, लेकिन एक वो है, मान ही नहीं रही। तो वो भी कमाल ही करती हैं। पता है क्या, उन्होंने खुद कहा कि काम वाली बुआ उनके पास होती है, इसलिए वो अकेली नहीं है। वो मुझे बार बार कह रही है कि मैं चली जाऊँ। नहीं, अब मैं ले जाऊँगा सुबह तुम्हें। क्या बात है नुमान, सब ठीक है ना? आप परेशान क्यों लग रहे हैं मुझे? कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी जरूरी काम से जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम सलाम। मुमानी, नुमान कहाँ गए? बेटा मुझे भी नहीं पता, बल्कि तुम उसको फोन कर पूछो, परेशानी हो रही है। मेरी बात हुई है उनसे, कहने लगे कि किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। कुछ परेशान भी लग रहे थे, सब ठीक है ना? नहीं राहिला, सब खैरियत नहीं है। आदन बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मतलब क्या मतलब? हमारी सोमिया से निकाह तो कर गया, लेकिन उसके बाद किसी और से शादी कर ली। मैं कहता रह गया कि मैं सोमिया को लेने आऊंगा। मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने बहुत बुरा किया है, उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप परेशान मत हो, आप सोमिया का ख्याल रखिए, मैं आती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।